सेकेंड ईयर के ह्यूमन ज्योग्राफी के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आपको जनसंख्या के बारे में, काफ़ी दिन से आपके लेक्चर चल रहे हैं, इसमें हमने जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का स्थानांतरण, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। और अब आज इसका आखिरी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जनसंख्या की समस्याएँ और उनका निराकरण। अब जनसंख्या की समस्याएं क्या है कि जनसंख्या की समस्याओं में सबसे ज़्यादा हम विश्व में विकासशील और निर्धन देशों में जो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है वह समस्या मूल है। और इन क्षेत्रों में अधिकांशतः आप देखेंगे कि अल्प विकसित, निर्धन और विकासशील देश, इनमें जनसंख्या का भार जो है वो अधिक दिखाई देता है, जबकि जो विकसित क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या का भार दिखाई कम देता है। अब इसे देखते, इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि विश्व का 16% जो भूमि है वो अमेरिका के पास है, लेकिन वहाँ केवल 6% जनसंख्या रहती है, जबकि एशिया के पास 18% भूमि है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है वो 67%, यानी विश्व का 67% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या उस भूमि पर भार के रूप में रहती है। अब जो बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनमें कुछ अजीब सी प्रॉब्लम्स, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जैसे भूख, अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित जनसंख्या, दरिद्र जनसंख्या। और ये जो जनसंख्या है ये देश के लिए एक भार के रूप में होती है, ये देश पर एक संसाधनों पर एक बोझ के रूप में होती है। अब जनसंख्या में ये जो असहनीय भार है ये अधिकांशतः, इसमें हम चार भागों में बांट लेते हैं इसको। जैसे पहला, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, कौन से हैं? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका भारत अतिरिक्त। तो इनमें जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर गरीबी, अशिक्षा और कुपोषित जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन एरिया में भूमि पर आधिपत्य के लिए आपस में एक दूसरे देश से भी झगड़ा और आपस में अंतरदेशीय भी झगड़े चलते रहते हैं। दूसरा आपका लैटिन अमेरिका, यहाँ भी जनसंख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, भूमि तो जितनी थी उतनी है, लेकिन यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है और नगरीकरण बढ़ रहा है, उसके कारण से यहाँ भी जो नगरीकरण में, नगर में जो लूटपाट, हत्या, दूसरे के संसाधनों पर लालच की दृष्टि से उन पर हमले करना, इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटनाएँ वहाँ भी होना शुरू हो चुकी हैं। फिर अफ्रीका, अफ्रीका के क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा कुपोषण का शिकार है, क्योंकि वहाँ पर संसाधनों की इतनी अधिक कमी है कि अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो पोषित भोजन उनको नहीं मिलता है। और कुपोषण की बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है वो अफ्रीका के कई देशों में देखने को मिलती हैं। फिर आपके विश्व के इन देशों के अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी है, और इनमें आपके जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि भी हुई है, और ये क्षेत्र जो है निकट भविष्य में भी अधिक जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी रहेंगे। अब जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसमें भरण पोषण की समस्या, आवास की समस्या, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल, कुपोषण, रोग, महामारी, अशिक्षित की बढ़ती जनसंख्या, नगरों पर जनसंख्या का दबाव, बस्तियों का विकास, अधिकांश संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ, कृषि क्षेत्र में कमी, वनों का निरंतर विनाश, निरंतर बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीव को खतरा, शक्ति के संसाधनों में कमी और राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, सामाजिक बुराइयां तथा भ्रष्टाचार आदि।
इनको मैं इस तरह से समझा सकती हूँ कि जहाँ भी भूमि कम और जनसंख्या अधिक होगी वहाँ सबसे पहले भरण पोषण की समस्या आएगी, क्योंकि जनसंख्या को पेट भरकर खाना नहीं मिलेगा। अब जब खाना ही नहीं मिल रहा तो आवास कहाँ से मिलेगा? चाहे आप देखिए, आप भारत के प्रत्येक नगर में आपको आउटर एरिया में या ऐसी किसी स्थान पे जहाँ रहना दुर्भर है, जैसे गंदे नाले के ऊपर या कोई ऐसी खाली स्थान पड़ा है जहाँ पर कि सामान्यतः लोग नहीं रह सकते, उन स्थानों पर भी आप देखेंगे कि गरीब लोगों की बस्ती बस जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब आपके जब आवास की समस्या होगी, खाना ही नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी तो एक अलग फैक्टर की तरफ से आ जाएगा कि बेरोजगारी तो वैसे भी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी में जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तभी आप भूखे और बिना आवास के रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो पेट भर के खाना भी खाता है और अपने लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था भी कर लेता है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो लगातार विकासशील देशों में और भारत में तो बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ का युवा वर्ग जो है वो शिक्षा ग्रहण करके भी बेरोजगार है, क्योंकि सरकार जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और सरकार उतने पद सृजित नहीं कर पा रही है। इसलिए जब हम कोई भी किसी भी तरह की रोजगार निकाला जाता है या कोई भी एक पद की रिक्तियां आती हैं, तो आप देखिए कि जब 1000 पद निकलते हैं तो उस पर 1,00,000 बेरोजगार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं। कभी कभी तो वो 1,00,000 की जगह संख्या 5,00,000 और 10,00,000 तक हो जाती है। तो ये स्थिति देखकर बहुत सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रोजगार तो बिल्कुल इस समय तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, पर क्योंकि प्राइवेटाइजेशन वाले क्षेत्र भी बंद हैं इस समय कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी भारत में बेरोजगारी की समस्या हमेशा से रही है, क्योंकि जनसंख्या का जिस गति से यहाँ विकास हो रहा है उस गति से यहाँ का आर्थिक ढांचा नहीं बढ़ रहा है, और जब आर्थिक संसाधनों का विकास नहीं होगा तो जनसंख्या को रोजगार कहाँ से मिलेगा? फिर जब बेरोजगारी है तो भुखमरी है, भुखमरी होगी और जिन क्षेत्रों में जैसे वर्षा पर निर्भरता है, जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए ज़मीन है लेकिन वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, तो अकाल, दुर्भिक्ष, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर कुपोषण, चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है, गंदी और मलिन बस्तियों में रहती है और उन्हें जो भी मिलता है वो चाहे कैसा भी खाना हो वो खाती है, तो कुपोषण का शिकार होते हैं। विभिन्न भिन्न बीमारियां उनमें फैली हुई होती हैं, महामारी के रूप में हैजा, टाइफाइड और निमोनिया, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फैलती रहती हैं लगातार। कई सालों से हमें ये सुनने को मिलता है कि इस तरह की बीमारियां लगातार फैलती हैं और सरकार को इनके सबके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं करनी भी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है और गरीबी बहुत ज़्यादा है इस देश में, इस कारण से उनको उपयुक्त उपचार और भोजन दोनों ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं। फिर अशिक्षितों की बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या को जब खाना नहीं मिल रहा तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले तो आपके भोजन की व्यवस्था होना ज़रूरी है। जब आपको दोनों टाइम भरपेट खाना मिलेगा तभी तो आप आगे उसके अतिरिक्त कुछ सोचेंगे, जब दोनों टाइम भोजन ही नहीं मिलेगा तो शिक्षा का प्रसार कैसे होगा? फिर नगरों में लगातार हम रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से, अन्य अदर नगर ऐसे क्षेत्रों से जहाँ रोजगार की कमी है, नगरों पर में लोग जाते हैं और वहाँ पर, वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ के एरिया पर लगातार जनसंख्या का जो विकास है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसके कारण वहाँ पर लगातार आप देखेंगे कि प्रत्येक शहर में दिन प्रतिदिन गंदी बस्तियाँ या कच्ची बस्तियों का निर्माण होता है और लोग बहुत अधिक गंदे हालातों में, हाइजीनिक तो कुछ होता ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गंदे हालातों में जीने को मजबूर हैं।
क्योंकि उनकी कोई व्यवस्था, उनके जीवन यापन की कोई भी सुरक्षा उन्हें दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उस जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं जो उन्हें नहीं जीना चाहिए। फिर आपके संसाधनों पर बोझ, कृषि क्षेत्र में लगातार कमी, क्योंकि पहले जैसे कि जितने भी लोग हुआ करते थे सबकी साझा ज़मीन होती थी, अब उसके टुकड़े हो गए हैं, फिर और टुकड़े हो गए हैं, तो धीरे धीरे ज़मीन जो है वो एक किसान के हक में निरंतर कम होती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति जो ज़मीन है वो भी लगातार कम हो रही है। और इसके अलावा जो सामाजिक बुराइयां, भ्रष्टाचार, ऐसी चीज़ें भी अधिक जनसंख्या होने पर लगातार बढ़ती जाती हैं। अब जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि है उसको रोकना ही सबसे बड़ा काम है, कि जैसे ही हम जनसंख्या को रोकेंगे विश्व में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन सब खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको विजय को पाने का मूल मंत्र जो है वो क्या है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकना। अब इसको जैसे राष्ट्र का बढ़ता हुआ विकास है, उन्नत तकनीक का लाभ बढ़ती जनसंख्या ही निगल जाती है, अतः जन वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। जैसे पहला, परिवार नियोजन। अच्छे राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि उसके जो व्यक्ति हैं जो वहाँ रहते हैं निवासी स्वस्थ हों, और देश की संपदा पर जितनी हमारे पास संसाधन है उसी के अनुपात में वहाँ जनसंख्या हो, तो परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। फिर दूसरा, विवाह की आयु में वृद्धि। अभी 18 और 21 है, इसे भी थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपका संतति सुधार, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे अधिक होते हैं तो बीमार और कुपोषित बच्चे या अधिकांशतः किसी बीमारी से ग्रसित या कम वजन वाले बीमार बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो जब पहले हम जो हमारी जननी है, माता है, वो जब उनकी कोख में बच्चा होता है उसी समय से उनके खाने पीने और दवाइयों का पूरा ध्यान रखा जाए, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो हष्टपुष्ट होंगे, और हष्टपुष्ट बच्चे जब होंगे, जनसंख्या जब हमारी हष्टपुष्ट होगी, स्वस्थ होगी, तो वो ज़्यादा आर्थिक विकास में सहयोग देगी बजाय बीमार जनसंख्या के। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए, क्योंकि केवल जो संपन्न व्यक्ति हैं या जिनके पास पैसे हैं वो अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो हमेशा सरकारी अस्पताल में जाता है। तो सरकारी अस्पताल जो हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। प्रत्येक गांव, पुरवा, ढाणी सब में एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो वहाँ के लोगों की बेसिक बीमारियों को, जो कि बहुत छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं जिसके कारण वो लोग बहुत परेशान होते हैं, उसको तो कम से कम वो ठीक कर दें। और इसके अलावा पर्यावरण भी हमारे यहाँ बहुत, विश्व में इस समय पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है, और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त क्षेत्र करने के लिए हमें साफ़ सफाई पर ध्यान देना होगा। पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारकों को उपयोग में लेने से बचना होगा। धीरे धीरे जैसे कि गाड़ियों का कम उपयोग, पॉलीथीन का कम उपयोग, कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम प्रति व्यक्ति अपना सकता है, और इनको अपना कर वो देश के वातावरण को स्वच्छ करने में योगदान दे सकता है। फिर भूमि का आदर्श उपयोग, यानी कम से कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन लेने की परंपरा डालनी चाहिए। प्रत्येक किसान को अपनी भूमि पर आधुनिक तकनीक के साथ इस तरह की कृषि करनी चाहिए कि जिससे उसको फसल भरपूर मिले, और उसकी जो ज़मीन है वो चाहे कम हो, उसकी लागत भी कम आए, और उसको जो फसल मिले वो इतनी अधिक मिले कि वो अपना तो विकास करे ही, वो उसके साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी सहयोग दे सके। अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए भूमि का। कोई भी, जैसे हम बाउंड्री के नीचे उपजाऊ भूमि को दबा देते हैं, और बहुत सारी ज़मीन हम खाली छोड़ देते हैं। उपजाऊ भूमि भी कई बार आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण किसान को खाली छोड़नी पड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें हमको देखना ज़रूरी है।
फिर उसके बाद भूमि व्यवस्था सुधार, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि का नियोजन किया जाना चाहिए, यंत्रीकरण किया जाना चाहिए, कृषकों की दशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और निरक्षरता को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि किसी भी नई तकनीक को अपनाने के लिए जब हम किसानों को समझाएंगे तो वो शिक्षित होंगे तो उन चीज़ों को जल्दी अपना लेंगे। शिक्षा उन्हें ये ताकत देती है कि वो आने वाली नई तकनीकों को समझ सके, या फिर अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अशिक्षा हो भी तब भी अगर अनुभव अच्छा है तो व्यक्ति शायद अपने परंपरागत तरीकों को बदलकर नई तकनीक को अपनाने में जल्दी से तैयार होता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति अगर होगा तो वो तुरंत ही उन चीज़ों को समझेगा और उन चीज़ों को समझकर जल्दी ही उसको परिवर्तन करने के लिए मान जाएगा। फिर आपका समन्वित औद्योगिकरण यानी औद्योगिक प्रदेश जो हैं वो हमें ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से सबसे ज़्यादा तो आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, उसके अलावा जो पुराने पारिवारिक व्यापार हैं, जो कि ऐसे व्यापार हैं जैसे जुलाहा है, आपका खाती का काम है, ये जो परंपरागत बिजनेस जो हमने पहले अपना रखे थे उनको धीरे धीरे हम छोड़ते चले जा रहे हैं, तो उनको वापस से हमें अपनाना पड़ेगा। अब तो काफ़ी इस समय नौजवान बच्चे जो MBA की डिग्री लेते हैं वो लोग MBA का कुछ टाइम अपना एक्सपीरियंस अनुभव लेकर बाद में अपने वापस हमारे भारत की उन परंपरागत शैलियों को, जैसे टेराकोटा या हमारा जो हथकरघा उद्योग है, इन चीज़ों को अपना रहे हैं, पशुपालन, डेयरी, तो ऐसी चीज़ों को अपनाने से वो देश के आर्थिक आधार को भी सुदृढ़ बना रहे हैं और स्वयं की ज़िंदगी भी आसान बना रहे हैं। तो इन चीज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अगर शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ एक बिज़नेस वाली शिक्षा, जिसमें कि आपको पता है कि मैं सरकार की नौकरी पर निर्भर न रहकर किस तरह से अपने और अपने परिवार को पाल सकता हूँ, इस तरह का मैनेजमेंट की जो शिक्षा है, यदि वो धीरे धीरे हमारे बेरोजगार बच्चों को मिलेगी तो बच्चे कुछ स्टार्टअप्स डाल पाएंगे, कुछ नए नए ऐसे काम कर पाएंगे जिनसे उनके खुद के आर्थिक विकास के साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हो और इन सबको सफल बनाने के लिए सरकार को बहुत न्यूनतम दरों पर इनको ऋण देना चाहिए, ताकि ये उस ऋण का उपयोग अपने स्टार्टअप के विकास, अपने जो लघु और कुटीर उद्योगों का विकास है उनको करने में करें और बच्चे आगे धीरे धीरे इस तरह की जीवन शैली में हों कि उनको, जैसे कि अब संभव हो तो आबादी पर नियंत्रण के साथ साथ शिक्षा, मनोरंजन के साधन, रोजगार व्यवस्था में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि जो हमारा नवयुवक है वो किसी भी तरह के भटकाव में ना आए और अपने जीवन को आर्थिक विकास के साथ जोड़ते हुए स्वयं की आर्थिक व्यवस्था ही ना करे बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था में भी वो सहयोग करे। तो ये जनसंख्या के कुछ समस्याएं और निराकरण के उपाय थे, इनको आप अब PDF में मैंने WhatsApp पे शेयर कर दिए हैं, आप लोग देख लें। जनसंख्या का टॉपिक मैं आज यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो इसके लिए अब आप लोग देख लीजिएगा आगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।